Sarika Seth. I am your Hindi teacher. Today I am going to teach you Hindi 1, Class 2, Rachana Prashun, Chapter 18. तो बेटा सबसे पहले हम Chapter 18 देखेंगे. ये है कहानी लेखन. दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी पूरी करनी है हमें. तो यहाँ हमें ऊपर शब्द दिए गए हैं कछुआ, हंस, मित्र, तालाब, सूप, और मित्रों, तरकीब, डंडा, मुंह, तीनों. तो इनसे हमें दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को हमें पूरा करना है. तो ये सारे बच्चे अपनी नोटबुक में नोट करेंगे. पहले हम यहां लिखेंगे शब्द. क्या क्या शब्द दिए गए हैं? पार्ट हमारा है 18. शब्द दिए हैं कछुआ, हंस, मित्र, तालाब, सूख, डंडा, देन मित्रों, तरकीब, डंडा, मुंह और लास्ट है तीनों. ये शब्द हमें अपनी, इनसे हमें पूरी कहानी बनानी है. तो कहानी एक डैश था और दो डैश थे. आपस में डैश थे. वे एक छोटे से डैश में रहते थे. गर्मी से तालाब का पानी डैश गया. नहीं सकता था. तीनों डैश ने एक डैश सोची. हंस एक डैश ले हंस एक डैश ले आए. कछुए ने डंडा डैश में पकड़ लिया. दोनों हंस
कछुए को लेकर, कछुए को लेकर उड़े। इस प्रकार डैश बड़े तालाब तक जाने में सफल हुए। तो बच्चों ये कहानी है। इस कहानी को पूरा करने के लिए हमें ये शब्द इसमें भरने पड़ेंगे। तो हम कहानी पूरी करेंगे। पहले एक कछुआ था और दो हंस थे। आपस में वे क्या थे? मित्र थे। वे एक छोटे से तालाब में रहते थे। गर्मी से तालाब का पानी सूख गया। वे तीनों दूसरे बड़े तालाब में जाना चाहते थे, पर कछुआ क्या नहीं कर सकता था? उड़ नहीं सकता था। तीनों मित्र ने एक तरकीब सोची। हंस एक डंडा ले आए। कछुए ने डंडा मुंह में पकड़ लिया। दोनों हंस कछुए के लेकर उड़े। इस प्रकार तीनों बड़े तालाब तक जाने में सफल हुए। तो ये आपको बच्चों अपनी नोटबुक में आपको नोट करना है। इसके बाद है दो क्वेश्चन है, अब बताइए। वो हम क्या करेंगे, इसको हम रख कर देते हैं। दो क्वेश्चन एकता में शक। इतना मत है। क्वेश्चन नंबर टू है, आपके कितने कच्चे पक्के मित्र हैं? ठीक है बच्चों, जितने भी आपके कच्चे पक्के मित्र हैं आपको लिख देना है। अगर दो हैं तो दो, एक है तो एक, तो हम लिख देते हैं दो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। एक कहानी और है, ये हम रख करते हैं। एक कहानी और है, तो पहले हम लिख देते हैं। कहानी का नाम है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, तैसा, यस, जैसे को तैसा। पहला है इसमें शब्द सोने कौमा तराजू कौमा काम शहर मित्र गांव अपनी वापस तुम्हारी खा दिमाग बात बाजार बाजार कहां
पांच चिड़िया बच्चे उत्तर चूहे क्षमा कौमा तराजू एंड लास्ट है पुत्र। तो ये हमारे हैं इससे हम कहानी बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कहानी उतार लेते हैं। एक आदमी
उड़ा सकती है, उसके दोस्त ने डैश किया, उसके दोस्त ने डैश दिया। जैसे सोने का तराजू, जैसे सोने का तराजू डैश खा गए, उस आदमी के मित्र ने उस आदमी के मित्र ने मित्र ने उससे डैश मांगी और उसकी डैश वापस कर दी। उस आदमी ने भी अपने मित्र को अपने मित्र का डैश वापस कर दिया। तो बच्चों ये कहानी है और अब हम इस कहानी में शब्द भरेंगे। ऊपर से छाट के कि क्या क्या शब्द इसके अंदर आएंगे वो हम भरेंगे। तो आप देखिए कैसे कैसे भरने हैं और ये अपनी नोटबुक में आप सब बच्चे नोट कीजिएगा। फर्स्ट है एक आदमी था, उसके पास सोने की एक क्या थी, तराजू थी। एक बार वह किसी काम से शहर गया, उस आदमी ने अपने तराजू अपने मित्र के पास रख दी। जब वह लौटकर गांव गया, उसने अपनी तराजू वापस मांगी। उसके मित्र ने उत्तर दिया कि तुम्हारी तराजू चूहे खा गए। उस आदमी के दिमाग में एक बात आई, वह अपने मित्र के बेटे को बाजार ले गया और वापस आकर उसने अपने मित्र से कहा कि तुम्हारे मित्र को बाज उड़ाकर ले गया। उसके मित्र ने कहा कि एक इंसान के बच्चे को कैसे उड़ा सकती है। उसके दोस्त ने उत्तर दिया जैसे सोने का तराजू चूहे खा गए। उस आदमी के मित्र ने उससे क्षमा मांगी और उसकी तराजू वापस कर दी। उस आदमी ने भी अपने मित्र का पुत्र वापस कर दिया। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट करना है और लर्न करना है और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।